नमस्कार दोस्तों, ये नई सबरंग में आपका स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से वो महत्वपूर्ण जानकारी बताने जा रहे हैं जब भगवान बद्रीनाथ जी के कपाट बंद होते हैं और उसके बाद भगवान उद्धव और भगवान कुबेर की पालकी में प्रतिमूर्ति नीचे पांडुकेश्वर मंदिर तक आती है और जोशीमठ तक आकर ये यात्रा पालकी यात्रा समाप्त होती है। तो इस पूरी वीडियो को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। और हाँ, एक निवेदन ज़रूर है कि अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिए और साथ ही सब्सक्राइब का बटन भी दबाइए। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में और भगवान बद्रीनाथ, उद्धव और कुबेर की इस यात्रा का आनंद लीजिए। उत्तराखंड के चमोली में मौजूद बाबा बद्रीनाथ के कपाट बंद होने के बाद मनुष्यों के लिए दर्शन वर्जित हैं। मान्यता है कि 6 माह के लिए ही मनुष्य को भगवान बद्रीनाथ की पूजा अर्चना करने का अधिकार है। उसके बाद बद्रीनाथ में बाकी 6 महीनों के लिए देवताओं का वास होता है। नारायण के परम भक्त श्री नारद समेत सभी देवता भगवान विष्णु की उपासना करते हैं। जिस तरह आदि गुरु शंकराचार्य की वंश परंपरा से रावल जी सारी मनुष्य जाति की ओर से 6 माह तक पूजा पाठ की अगुवाई करते हैं, ठीक उसी तरह नारद जी 6 महीने शीतकाल रहने तक देवताओं की तरफ से पूजा पाठ की अगुवानी करते हैं। हरिओम जय विशाल। भगवान की परंपरा 6 महीने मनुष्य लोगों, 6 महीने देवता पूजा करता। अभी देवता लोगों का पूजा कार्यक्रम शुरू होगा, इसलिए मनुष्य लोग नीचे आ गया। अभी 6 महीने के बाद मंदिर खुलेगा, उस समय से मनुष्य लोगों के लिए मंदिर खुलेगा, सबको आ सकता है। इस बद्रिकाश्रम की परंपरा षण्माशम दैवते पूज्या है, षण्माशम मानव तथा, क्योंकि बद्रिकाश्रम की जो पूजा परंपरा है 6 महीने तक मनुष्यों के द्वारा ही उस पर अधिकार है और 6 मास के अनंतर देवताओं के पास पूजा का अधिकार चला जाता है। तो जब 6 मास यहाँ पर संपन्न हो जाते हैं, जैसे कार्तिकेत समागत्या पुनरुच्चाम चरंति थे, कार्तिक मास की समाप्ति होने पर और यहाँ पर देवता लोग आकर के और भगवान की पूजा अर्चना का दायित्व संभालते हैं और देव प्रजा की ओर से नारद जी ही भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। जैसे कि आज मनुष्यों के पूजा काल में श्रीमान रावल जी को अधिकार है, जो कि आदिगुरु शंकराचार्य जी की वंश परंपरा से हैं, उनके द्वारा यहाँ पर मूर्ति सुपूजित सारी मानव प्रजा की ओर से की जाती है। उसी प्रकार से देवताओं की ओर से नारद जी 6 मास पर्यंत शीतकाल में और भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। तो यहाँ पर ऐसी परंपरा है कि 6 मास पर्यंत और भगवान की पूजा अर्चना की जाएगी और तदनंतर जैसे ही वृश्चिकार्धम गते सूर्य वैखान समा हुए, तो वृश्चिकार्ध में जब सूर्य चला जाता है उसके बाद यहाँ कोई किसी को रहने का अधिकार नहीं है। तो यहाँ भगवान की पालकी कहाँ जाती है और कैसे? भगवान की जो पालकी है, भगवान की जो पालकी है वो तो जोशीमठ के लिए प्रस्थान करेगी। भगवान की जो उत्सव मूर्ति है वो पांडुकेश्वर में 6 मास पर्यंत सुपूजित होगी। उनके साथ कुबेर जी का जो मंदिर है, कुबेर जी उस मंदिर में सुपूजित होंगे। गरुड़ जी जोशीमठ के लिए प्रस्थान करेंगे और भगवान की जो पालकी है जिसमें भगवान की ही का प्रतिबिंब प्रतिष्ठापित रहता है, वो पालकी और जोशीमठ के लिए प्रस्थित होगी। जब यहाँ कपाट खोले जाते हैं तो उसमें क्या पूजा अर्चन रहता है, किस प्रकार से विधि विधान रहता है, उस पर भी थोड़ा सा संज्ञान दें। ऐसा है, जब कपाट खोलते हैं उसके लिए सबसे पहले मुहूर्त किया जाता है और वो मुहूर्त परंपरागत रूप से नरेंद्र नगर में और टेरी राजा के यहाँ संपादित किया जाता है, जो कि परंपरा अनुसार है। और उस दिन ही निश्चित होता है कि कब भगवान बद्रीशाल के कपाट और समस्त भारतीय प्रजा के लिए, समस्त श्रद्धालुओं के लिए और जो भी यहाँ पर आने वाले तीर्थयात्री हैं उनके लिए खुले जाएंगे। तो उसके लिए मुहूर्त की व्यवस्था है और मुहूर्त निकाला जाता है नरेंद्र नगर में और उसके बाद तिथि निश्चित होती है। और जैसे ही तिथि निश्चित होती है तो सबसे पहले देव यात्रा जो होती है, वो देव यात्रा डोली इत्यादि लेकर के, मूर्तियों को लेकर के, प्रतिमा को लेकर के और जोशीमठ से प्रस्थित होती है। और उसके बाद उसकी परंपरा भी यही है कि पहले भगवान की गद्दी जोशीमठ से चलेगी, गरुड़ जी चलेंगे, उसके साथ साथ पांडुकेश्वर में पहुँचेगा, पांडुकेश्वर में कुबेर जी और उद्धव जी की अगवानी में और बद्रीनाथ नारायण जी की जो यात्रा है वो यात्रा प्रारंभ होगी। और यात्रा प्रारंभ होने के बाद यहाँ पर पहुँचेंगे
और जिस प्रकार से मुहूर्त होगा उस मुहूर्त के अनुसार और भगवान के श्री कपाट और समस्त श्रद्धालुओं के लिए, समस्त मानव के कल्याण के लिए और भगवान से अभ्यर्थना करते हुए खोले जाएंगे। कपाट बंद होने के बाद भगवान बद्रीनाथ की पालकी यात्रा निकाली जाती है, जिसका तमाम रास्तों पर स्वागत किया जाता है। रावल जी भगवान की प्रतिमूर्ति लेकर योग बद्री के लिए रवाना होते हैं। काफिले के साथ दो पालकियां चलती हैं, जिसमें एक कुबेर जी की और दूसरी पालकी आदि गुरु शंकराचार्य की। सबसे खास बात यह है कि इस पालकी यात्रा के लिए सेना खास इंतजाम करती है। सेना का बैंड पालकी के साथ साथ कदम ताल करता हुआ बद्रीनाथ धाम से करीब 40 किलोमीटर दूर जोशी मठ तक जाता है। भगवान बद्रीनाथ की इस पालकी यात्रा के प्रमुख रूप से तीन पड़ाव हैं, हनुमान चट्टी, पांडुकेश्वर योग बद्री और जोशीमठ। पहले पड़ाव में यात्रा बद्रीनाथ धाम से 10 किलोमीटर दूर हनुमान चट्टी पहुंचती है, जहां रावल जी और यात्रा में शामिल बाकी लोग विश्राम करते हैं। हनुमान चट्टी के बारे में कहा जाता है कि वही स्थान है जहाँ भगवान हनुमान ने महाबली भीम का घमंड चूर चूर किया था। दरअसल जिस वक्त पांचों पांडव द्रौपदी के साथ स्वर्ग के रास्ते पर निकले थे, तो यहाँ महाबली भीम का सामना भगवान हनुमान से हुआ। मान्यता है कि अपने बल पर घमंड करने वाले भीम का अहंकार हनुमान जी ने ही चूर चूर किया था, तब से ही इस जगह को हनुमान चट्टी कहा जाता है। पालकी यात्रा अपने दूसरे पड़ाव में पहुंचती है योग बद्री, जहां आगे के 6 महीने तक भगवान बद्रीनाथ की प्रतिमूर्ति को विराजमान किया जाता है। भगवान कुबेर भी यहीं विराजमान रहते हैं। विधि विधान के साथ योग बद्री में पूजा अर्चना की जाती है। भगवान बद्रीनाथ और कुबेर जी तो यहीं रुकते हैं, लेकिन अगले दिन आदि गुरु शंकराचार्य की पालकी लेकर रावल जी योग बद्री से करीब 20 किलोमीटर दूर जोशी मठ के लिए रवाना होते हैं। इस बीच आदि गुरु शंकराचार्य की पालकी यात्रा हेमकुंड गुरुद्वारा पहुंचती है, जहां गुरुद्वारा कमेटी की तरफ से पालकी का स्वागत होता है। पालकी यात्रा अपने अंतिम पड़ाव में पहुंचती है जोशीमठ, जहां 6 महीने तक आदि गुरु शंकराचार्य की गद्दी सुशोभित की जाती है। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो में देखा कि किस प्रकार भगवान बद्रीनाथ के कपाट बंद होने के बाद भगवान उद्धव और कुबेर की पालकी विराजमान होकर पांडुकेश्वर स्थित योग बद्री में आती है, जहां 2 महीने तक भगवान का पूजन अर्चन होता है और यहां से कुबेर जी की मूर्ति कुबेर मंदिर में चली जाती है और उद्धव जी यहीं विराजमान रहते हैं। साथ ही जो बद्रीनाथ धाम से रावल जी द्वारा लाई गई भगवान विष्णु की प्रतिमूर्ति होती है, वो यहां पांडुकेश्वर स्थित इस मंदिर में रहती है।
इसी के साथ आदिगुरु शंकराचार्य की पालकी नीचे जोशीमठ तक आती है और रावल जी के द्वारा उसको अंतिम विदाई दी जाती है। इस प्रकार भगवान बद्रीनाथ के कपाट बंद होने के बाद ये सारी प्रक्रिया होती है जिसको हमने आपको इस वीडियो में दिखाया। तो हमें उम्मीद है कि आपने इस वीडियो का आनंद लिया होगा। तो साथ ही हमारा आपसे एक बार पुनः निवेदन है कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।